हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। मैं रूपा और आज मैं आ गई हूँ विंटर स्पेशल बायोटिक का 3 फेस वॉश का कंपैरिजन लेके। तो चलिए प्रोडक्ट को देख लेती हूँ। आज का फर्स्ट प्रोडक्ट है बायोटिक एडवांस्ड आयुर्वेदा बायो वाइट एडवांस फेयरनेस फेस वॉश और सेकेंड बायोटिक एडवांस्ड आयुर्वेदा हनी जेल रिफ्रेशिंग फोमिंग फेस वॉश, थर्ड बायोटिक एडवांस्ड आयुर्वेदा बायो पपाया विजिबली फ्लॉलेस स्किन फेस वॉश। देख लीजिए, ये है वो तीनों के 3 प्रोडक्ट। तो अभी इन लोगों का कंपैरिजन मैं बताऊंगी। जैसे एडवांस फेयरनेस फेस वॉश, इसके बारे में अगर मैं बातें करूं तो अगर आपके स्किन नॉर्मल है, ऑयली है, तो आपके लिए विंटर सीजन में ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। ड्राई स्किन के लिए भी ये प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन एक्सेसिव ड्राइनेस के लिए ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। सेंसिटिव स्किन वाले लोग भी बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा बायो वाइट फेस वॉश को अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एक्सट्रीम ड्राइनेस अगर है तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। जैसे डेड सेल्स आ रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये प्रोडक्ट नहीं है, नहीं तो सारे के सारे लोगों के लिए ये प्रोडक्ट बेस्ट है। पिंपल है तो अप्लाई मत कीजिए, और अगर एक्सट्रीम ड्राई स्किन है तो आपके लिए ये प्रोडक्ट नहीं है। तो ये प्रोडक्ट को शायद मैंने क्लियर कर दिया, और ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट का रिव्यू मेरे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, रिव्यू प्लस डेमो। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर में आई बटन में लिंक दे दूंगी, जाके चेक कर सकते हो। तो सेकंड प्रोडक्ट को चलिए देख लेती हूँ। और सारे के सारे काम तो अच्छे ही है, वो तो मैं बता के रखी हूँ। वो इतना लंबा मैं वीडियो को नहीं बनाऊंगी, बस कंपेरिजन करके ये वीडियो को एंड करूंगी। तो सेकेंड आ जाती हूँ बायोटिक एडवांस्ड आयुर्वेदा हनी जेल रिफ्रेशिंग फोमिंग फेस वॉश। ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए विंटर सीजन में एकदम बहुत ही अच्छा एक फेस वॉश है, हनी जेल फेस वॉश। आपके स्किन में पिंपल है तो भी आप इस फेस वॉश को यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नॉर्मल, ऑयली, ड्राई, सेंसिटिव कॉम्बिनेशन सारे के सारे लोगों के लिए हनी फेस वॉश एकदम बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया एक फेस वॉश है। लेकिन ये पिंपल वाला और एक्सट्रीम ड्राइनेस के लिए एडवांस फेयरनेस नहीं है। बाकी सारे लोगों के लिए ये फेस वॉश ठीक है, लेकिन वो दोनों के लिए एकदम भी ठीक नहीं है। और अभी आ जाती हूँ बायो पपाया फेस वॉश के बारे में बात करने के लिए। ये फेस वॉश चारों के चारों स्किन टाइप यूज कर सकती हो, प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, ड्राई स्किन वालों के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकते है इस फेस वॉश से भी। अगर एक्सट्रीम ड्राइनेस है तो अप्लाई मत कीजिए। लेकिन और भी एक बड़ा बात है कि किसके लिए ये प्रोडक्ट एकदम सबसे अच्छा है। अगर आपके स्किन में रिंकल है, अगर आपके स्किन में ब्लेमिशेस है, तो आपके लिए ये प्रोडक्ट सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। बायोटिक के ये तीनों के 3 फेस वॉश के अंदर हनी फेस वॉश तो सबके लिए है विंटर के लिए, और ये पपाया फेस वॉश अगर रिंकल से एजेड पीपल हो और साथ ही साथ अगर ब्लेमिशेस का प्रॉब्लम है तो ये प्रोडक्ट बेस्ट है। और अगर फेयरनेस चाहिए लेकिन स्किन में पिंपल है तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि एडवांस फेयरनेस फेस वॉश को अप्लाई करने के लिए। पिंपल और एक्सट्रीम ड्राइनेस के लिए ये फेस वॉश नहीं है। तो शायद मैंने इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिया ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट का जो कंपैरिजन था वो। प्राइस के हिसाब से ये बराबर ही है। जैसे आपकी हनी जेल फेस वॉश का प्राइस है 65 रुपीज और बायो वाइट फेयरनेस फेस वॉश का प्राइस है 55 रुपीज, बस 10 रुपीज का डिफरेंस। और बायो पपाया फेस वॉश का प्राइस है 60 रुपीज, तो 10-5 रुपीज का डिफरेंस, इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये रही मेरी विंटर स्पेशल बायोटिक फेस वॉश का रिव्यू। अगर अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे जाके ऐसे वीडियो रोज रोज अपने फोन पे देखने के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।